फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना क्योंकि आपको वीडियो समझ में आएगी और ध्यान से समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड अदर जीरोस। इसने बोला है कि इस पॉलीनोमियल के जो दो जीरोस हैं ये हैं, एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, और इसके टू अदर जीरोस और फाइंड करने हैं। कहने का मतलब इसके अदर जीरोस फाइंड करने हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि पावर हाईएस्ट पावर जिस पॉलीनोमियल की 4 है या हाईएस्ट पावर इस पॉलीनोमियल की 3 है तो उसके जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। 4 है तो उसके जीरोस कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, मैंने आपको बता रखा है। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने सेम बिल्कुल, बस इसमें थोड़ी सी डिजिट बदल रही है, ये हमने एक्सरसाइज 2.3 में थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है ना, वो क्यूबिक पॉलीनोमियल में था, ठीक है ना, वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में था, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में है। उसके अंदर भी दो जीरोस दे रखे थे, इसमें भी दो जीरोस दे रखे थे, बट इसके अंदर थोड़े जीरोस आपको अजीब से लग रहे होंगे, बट कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है ये इसके जीरोस हैं, अब ये जीरोस हैं तो इसके अंदर रखने पर इसको जीरो बना दें, कहने का मतलब ये एक्स की वैल्यू है ना इसकी, बिल्कुल एक्स की वैल्यू है, तो क्या आएगा, तो एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है 2 प्लस, अब देखो लिख देता हूँ, एक बार प्लस में है 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, एक बार एक प्लस में एक बार माइनस में है, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू है। अब देखो मेरे को इसको डिवाइड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है उस थर्ड क्वेश्चन में 2.3 के कि इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा और हमको टू जीरोस और निकालना है। टू जीरोस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में तोड़ना पड़ेगा, माना इस प्रकार का ऐसा कुछ इसको तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ेंगे इसका तो हमें रूल पता ही है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे फैक्टर आ जाते हैं, फिर इसके क्या आते हैं, जीरोस आ जाते हैं। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके। डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड भी इनके फैक्टर्स होते हैं, तो ये तो इसके फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर इसके बनाने पहले, तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स की तरफ ले जाएंगे इनको, तो ले जाते हैं, तो ये एक्स की तरफ आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक्स देखो एक्स की तरफ आ जाएगा नहीं, तो ये 2 प्लस का है तो 2 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का रूट 3 हो जाएगा। एक तो आपका ये फैक्टर हो गया, चलो सही है, अरे ये भी तो x की वैल्यू है ना, ये भी तो x की वैल्यू है ना, तो कहने का मतलब ये भी तो एक फैक्टर होगा, तो ये x की तरफ आएगा, ये प्लस का है तो जाके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसके आपके दो फैक्टर आ गए, तो अब दो फैक्टर आ गए तो या तो देखो इसका दो तरीके हैं समझना, या तो इसको हम आसान बना सकते हैं या इसको कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, तरीका करके मेरे आंसर ला के वही आएगा, ठीक है ना, इसको सोल्व करने में। देखो समझदार होके सीख, समझो कि देखो या तो इसको ऐसे करो, x की पूरे से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 की पूरे से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 की वो माइनस रूट 3 की मल्टीप्लाई इसको पूरे से करो, तो भाई साहब बहुत बड़ा हो गया। या तो हम क्या करें, इसको इस तरीके से बना लें, इसको फॉर्मूला बेस कर लेते हैं। देखो इसको मैं एक मान लूं और इसको मैं एक मान लूं, तो देखो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इस पूरे को मैं ए मान लेता हूं, इस पूरे को मैं क्या, इस वाले को क्या मान लेता हूं, रूट 3 को बी मान लेता हूं, तो आपके आगे कुछ नजर आ रहा होगा ध्यान से देखने पे, तो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या मिल गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इसको पूरे को मैंने ए मान लिया, यही आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस टू का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो आपका समझ आ गया होगा, इसको मैंने पूरा एक क्यों माना, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले में लाने में और फॉर्मूले से किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको फॉर्मूले खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a हमारा x, b हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या हमारा 2 हो गया, 2 का 2 की स्क्वायर हो गया, माइनस तो है हमारा ऑलरेडी, ओके, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा,
इससे रूट से, ये रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, और कहने का मतलब कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4x हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और ये माइनस 3 हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 4 में से 3 चला गया तो कितना आ गया हमारा प्लस का 1 आ गया। तो हमारा ये सोल्व करने पर ये आ गया। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, हमारा फैक्टर हो गया। अब इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो, इसको डिवाइड कर देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करके हम देखते हैं, तो x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 20x² प्लस 138x माइनस 35। देखो जैसा हमने बिल्कुल 22.3 के थर्ड क्वेश्चन में करा था बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसको थोड़ा उधर लिखता हूँ मैं जल्दी से, जल्दी से x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। किससे डिवाइड करना है हमें, इस फैक्टर से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे डिवाइड करते हैं। अब मैंने डिवाइड करना आपको बता ही रखा है किस तरीके से डिवाइड करना है, हमने हमको करना पड़ेगा। देखो इस वाली संख्या, इस वाली टर्म को पकड़ लो, इस वाली टर्म को पकड़ लो, ठीक है ना। अब किस तरीके से करना पड़ेगा, आपको पता है कि यहाँ पर हमें ऐसी संख्या रखनी है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा x की पावर 4 आ जाए। तो ये x की यहाँ पर ऐसी संख्या क्या रखनी है ये हमको पता कैसे चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करके देख लो और यहाँ लगा लो, ठीक है। तो x की पावर 4 को आप डिवाइड करके देख लो किससे, x स्क्वायर से। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू x इंटू x इंटू x, इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू x, तो इससे x से x, इस x से x, ये वाला खत्म हो गया। तो कितना बचा, x इंटू x, इसका मतलब x स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ भाई, मेरे लिए हर बच्चे बराबर है, ठीक है ना, इस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई भी तो इससे होगी, माइनस 4x की मल्टीप्लाई भी तो किससे होगी, एक्स स्क्वायर से होगी। तो कितना आएगा, देखो माइनस 4x के, देखो ये पावर 1 है इसके ऊपर, आपको पता है जब बेस एक होता है तो गुणा में या मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है जुड़ जाती है, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4x की पावर 3 आ गया। अब 1 की मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो खत्म हो गया। अब देखो माइनस का 6x³ और प्लस का 4x³, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का आ गया यहाँ पर, अब माइनस का 6 में से 4 गया तो कितना आएगा, 2x³ आ जाएगा। अब इसको भी सोल्व करेंगे हम, 26 है और ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 26 है और ये 1x आ गया, तो कितना हो गया, माइनस 27x² प्लस 138x माइनस 35 आ गया। अब दोबारा भाई साहब ऐसे करना पड़ेगा, इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो, डिवाइड करके देख लो, तो माइनस 2x³ को डिवाइड करके देख लो किससे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो, तो माइनस 2, अब देखो एक्स क्यूब है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। देखो आपको प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ऐसे करके देख लेना, बिल्कुल बेसिक वाला, एक्स एक्स से एक्स गया, एक्स एक्स से एक्स गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 2x बचा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम माइनस 2x रखेंगे तो तभी तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2x³ आएगा, चलो सही है। अब माइनस माइनस 4x की मल्टीप्लाई भी तो माइनस 2x से होगी, बिल्कुल होगी, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो 4 × 2 क्या हो गया, 8 हो गया, x इंटू x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे ही रखेंगे हम बिल्कुल, तो कितना आ गया, प्लस का 8x² आ गया, चलो सही है। अब इस 1 की मल्टीप्लाई भी तो माइनस 2x से करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2x से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x ही आएगा, तो माइनस का 2x इसके नीचे रख देते हैं। तो ये देखो माइनस का आ गया, माइनस का क्या हो गया, प्लस, प्प्लस का क्या हो गया, माइनस, अरे ये माइनस है क्या, प्लस, तो ये तो खत्म हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया, अरे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 27 हो गया, अरे 8 हो गया, तो 27 और 8 कितना हो गया, 35x² हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब देखो प्लस 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 हो गया, बिल्कुल प्लस हो गया, तो 138x हो गया, और 2x हो गया कितना हो गया, 140x हो गया, तो माइनस का 35 ही उतर गया, बिल्कुल उतर गया,
ठीक है ना, बिल्कुल हम इस तरीके से करना है। और अब तक आपने कोई मेरी वीडियो ना देखी हो तो पहले वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब दोबारा से इसको पकड़ लो, माइनस का 35x² को डिवाइड करके देख लो x² से, तो इससे ये उड़ी गया, तो कितना आ गया हमारा, माइनस का 35 आ गया। तो x² की माइनस की 35 से मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा, माइनस का 35x² आएगा। चलो सही है, अब इसकी मल्टीप्लाई भी तो इसी से करनी है, कह रहा था माइनस की 4x की मल्टीप्लाई भी तो माइनस की 35 से करनी है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, जब भी तो आएगा हमारा पूरा सोल्व, जब भी तो होगा ना। अब देखो माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो गया, अब देखो 4 को मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो कितना हो गया, देखो 35 2 70 70, अब 72 कितना हो गया 140 हो गया, ठीक है ना, 140x आ गया। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया हमारा, प्लस का 140x आ गया। चलो सही है, तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस 35 से होगी तो कितना आएगा, माइनस का 35 होगा। तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये खत्म, तो क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। तो जीरो आ गया तो भाई साहब ये क्या हो गया हमारा, सोल्व हो गया। चलो सही है, तो हमने क्या करा अब तक, हमने भाई साहब इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना लिया जो हम चाहते थे, तो जो हम चाहते थे हमने भाई साहब उसके अंदर बना लिया। इसको मैं रफ कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके देख लेना, इसको समझ लेना, ठीक है, अच्छी तरह। अब देखो मैंने इसको बना लिया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, अब तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को हम लोग तोड़ने का तरीका हमें पता ही है। और यहाँ से हमारे जो टू जीरोस रह रहे थे हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है इस बीच वाली टर्म को हमें इस प्रकार से बनाना है कि प्लस माइनस करके या कुछ भी करके यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से बनानी है कि प्लस माइनस करें तो, ठीक है ना, कि मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आए, कहने का मतलब माइनस का 35x² के इक्वल आए, बिल्कुल आए। और इस पे प्लस माइनस करें तो माइनस टू पे 2x पे कोई फर्क ना पड़े, बिल्कुल वो प्लस माइनस करने पर ये बिल्कुल माइनस का 2x ही रहे। अब देखो क्या करना पड़ेगा, x² रोक लो, यहाँ पर सिर्फ 35 रख लो, माइनस माइनस छोड़ो, अब माइनस 35 क्या करो, फैक्टर करके देख लो तो किससे होगा, 5 से तोड़ लेते हैं, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35 होगा, तो 7 से तोड़ लेंगे तो क्या हो गया, 1 आ गया। तो भाई साहब कितना आ गया, देखो 7 5 का कितना हो गया हमारा, 35 भी आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, बिल्कुल आ रहा है। देखो इसे फैक्टर करके जरूर देखना, क्योंकि आप फैक्टर कर लोगे तो ये प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो सही है, ठीक है। अब देखो माइनस का 2x लाना है, माइनस का 2 लाना है, समझे, x को भूल जाओ, माइनस का 2 लाना है, तो माइनस का 2 कैसे आएगा, देखो 7 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 2 भी आ रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है, बिल्कुल ऐसा चल रहा है। पर ये माइनस का 2 कैसे आएगा, माइनस का 2 आएगा यदि मैं माइनस का 7 रख दूं और प्लस का 5 रख दूं, तो जब भी तो हमारा माइनस का 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि माइनस के बड़े में से प्लस का छोटा माइनस होगा, जब भी तो हमारा माइनस का आता है, बिल्कुल आता है। तो ये एजेक्टिव आ गया x² माइनस का 7x, अब इसके 7x लगा देंगे, प्लस का 5x आ गया, माइनस का 35। अब इन दोनों में से क्या ले लो, अब कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन आ गया, दोनों में x ही कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 7। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कहने का मतलब 5 7 जब 35 होता है ना, तो 5 दो कॉमन आ रहा है इसमें, 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या रह गया, x रह गया, और यहाँ पर क्या रह गया, 7 रह गया, तो 5 बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, 7 रह गया। तो एक आपका ये फैक्टर हो गया x प्लस 5, एक आपका फैक्टर हो गया x माइनस 7। तो इन दोनों को जीरो के इक्वल रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएंगे, इसके जीरो आ जाएंगे, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5। अब ये उधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू प्लस का 7, तो आपके 2 जीरो ये आ गए। तो ये तो आपको 2 अदर जीरोस फाइंड करने थे, तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 5 और 7, ये 2 और आ गया, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना, 2 आ गया आपके। अब 2 आपके ऑलरेडी ये गिवन थे, एंड ये भी था ना, आपको ये आ गए, और पहले से आपको पता है 2+√3 और, ठीक है ना, और 2-√3, तो ये आपके, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ठीक है ना, आपके 4 जीरोज आ गए। तो आपके 4 जीरोज आ गए, तो इस प्रकार से आपको करना था, आपको
मेरे हिसाब से ये वीडियो समझ आई होगी। तो समझ आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को या चैनल को आप सब्सक्राइब करना। और आप मुझे या हमारे चैनल को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आता हूँ। आपको जो क्वायरी होगी, जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी, उन प्रॉब्लम्स को मैं लाइव सोल्व करने की भी कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, चलो ओके।